हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक एंड बेक विद कविता। आज मैं लेके आई हूँ पनीर कढ़ाई की रेसिपी, सिंपल टेस्टी एंड इजी टू मेक। लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। कढ़ाई मसाला के लिए एक पैन में 1.5 टीस्पून धनिया, 2 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च और 4-5 चिल्लीज लिया है। रोस्ट करेंगे। ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंडर में पाउडर बनाएंगे। वेजेस टॉस करने के लिए पैन में लिया है 2 टेबलस्पून घी, 1 ऑनियन मीडियम स्लाइस, 1/2 कप कैप्सिकम, 1 टोमेटो स्लाइस किया हुआ है, 250 ग्राम्स पनीर, उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चिल्ली पाउडर और 1 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला। इसको जेंटली सॉर्ट करके हम चलेंगे ग्रेवी के प्रोसेस पे। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून जिंजर चॉप्ड, और उसमें डालेंगे 2 ऑनियन चॉप बारीक कटा हुआ है। 5 मिनट तक प्याज को भून लेंगे। यहाँ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। लेट्स सॉल्ट फॉर 5 सेकेंड्स। और मसाला में हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। मिलाएंगे। फ्राई होने दीजिए और उसमें हम डालेंगे टमाटर प्यूरी 1/2 कप। अच्छे से मिलाएंगे और एक उबाल आने के बाद हम डालेंगे लेफ्ट ओवर कढ़ाई मसाला। अच्छे से सॉल्ट करके मिक्सचर को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। 5-6 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। मिक्स होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप गरम पानी। 2 मिनट के लिए बॉईल होने दीजिए और इसमें डाल देंगे हम लोग टॉस किया हुआ पनीर और वेजेस। लेट इट बॉइल फॉर अस 5 सेकेंड। टॉस इट जेंटली सो दैट पनीर वोंट ब्रेक। आर पनीर कढ़ाई इज रेडी टू सर्व। टेस्टी एंड यमी पनीर कढ़ाई इज रेडी। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक एंड डू गिव अ कमेंट, सजेशंस, फीडबैक। Also, do not forget to subscribe my channel. Thank you for watching. Cook and Bake with Kavita.